क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कौन सा, मैग्नेटिज्म और उसके टाइप्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, कैसे बनता है, इन सब के बारे में बात हुआ था। तो इस वाले क्लास में हम लोग हल्का फुल्का छोटा मोटा पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे, जैसे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारा किस तरीके से वर्क करता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तीन पॉइंट बन के निकले थे। पहला पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स कितने ज़्यादा हैं, अमाउंट ऑफ करंट कितनी ज़्यादा है, या डिस्टेंस बिटवीन द पोल या गैप बिटवीन द पोल। अगर गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल होगा, अगर नहीं है तो पावरफुल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है, के बीच में सिमिलैरिटी नहीं डिफरेंसेस क्या क्या है। एस चंद यूजर्स फटाफट इस पे जवाब देंगे। सबसे पहला बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में फिक्स्ड पोल, परमानेंट फिक्स्ड पोल नहीं होते। जैसे इसके बारे में बोल सकते हैं इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, मैग्नेट ये कौन सा मैग्नेट है भैया, टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि जब तक करंट बहेगा तब तक वो मैग्नेट है, जब करंट बहना बंद तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ इसका इट इज परमानेंट मैग्नेट। ये वाला मैग्नेट कौन सा है भैया, परमानेंट, इसका फिक्स हो गया है कि हाँ भाई हम इतने ही पावरफुल हैं, तो ये भी एक और बात आ जाती है। अच्छा एक और बात पूछें, इट्स पोल कैन बी रिवर्स बट इट्स पोल कैन नॉट बी रिवर्स, एक और बात आ जाती है कि इसके पोल को आप रिवर्स नहीं कर सकते, सॉरी इसके पोल को आप रिवर्स कर सकते हो, इट्स पोल्स कैन बी रिवर्स। इस लाइन का मतलब समझ में आया, अगर यह इलेक्ट्रोमैग्नेट है और अगर करंट ऊपर से जा रहे थे साउथ हो जाता है या नॉर्थ हो जाता है, इतना तो आपको पता है, सॉरी, लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे तो यहाँ करंट डाउन हो जाए, यहाँ साउथ हो जाए, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, यानी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, पोल को चेंज कर सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करें तो पोल चेंज हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्या बार मैग्नेट के अंदर आप पोल चेंज कर सकते हो कुछ भी करके बिना पलटे? नहीं तो अभी को जवाब आता सर, तो इसका जवाब हो जाएगा इट्स पोल्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसके पोल को कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत रहा, पॉइंट नंबर दो फुद्दू था, इसमें तो कोई जानने वाली बात नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी फिक्स, और इसकी स्ट्रेंथ वैरी करेगी, एक बात याद रखिएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वैरी करेगी। हम चाहें तो इसको वीक भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसको स्ट्रांग भी बना सकते हैं, किन का यूज करके, अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करके। चलो मान लो मैंने मैग्नेट बना दिया, उसका साइज फिक्स है, टर्न फिक्स कर रखे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर फिक्स कर रखा है, पोल की डिस्टेंस फिक्स कर रखी है, इतना सब फिक्स होने के बावजूद भी मैं क्या इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दो, अमाउंट ऑफ करंट घटा दो, हो जाएगा। इट्स स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड, चेंज्ड मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। हाँ, इसका इंक्रीज भी करा सकते हैं हम, डिक्रीज भी करा सकते हैं, किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें आप उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाया घटा नहीं सकते। तो थर्ड पॉइंट आपका यह हो जाएगा इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, इसको कभी चेंज हम नहीं कर सकते। तो इसमें कौन दिक्कत रहा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ना रहा हो। अब अगला वाला पॉइंट हो जाएगा सवाल नंबर चार, सवाल नंबर चार में क्या हो जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय
किया जा सकता है या इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हाँ भाई उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हाँ बार मैग्नेट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पटक पटक के डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जला के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी परमानेंट मैग्नेट को पटकोगे बहुत तेज, हैमर से पीटोगे या जलाओगे, तीनों ही केस में उसकी मैग्नेटिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, लॉस्ट। वहीं इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट गायब। क्या काम करना है, बस स्विच ऑफ कर दो, कुछ नहीं, बस स्विच ऑफ कर दो, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म। इसीलिए अगर स्क्रैप बुनने के लिए अगर कोई बोलता है कि स्क्रैप, इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ हमें फिक्स स्ट्रेंथ चाहिए, इतनी फिक्स है, जैसे स्पीकर माइक वगैरह होता है, स्पीकर माइक का स्ट्रेंथ फिक्स होता है, चोंगा आते ही आवाज में बजेगा, उससे ज्यादा आवाज वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो फिक्स स्ट्रेंथ हो गया, हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी स्पीड घटानी है बढ़ानी है, पंखे की स्पीड घटानी है, पंखे की स्पीड बढ़ानी है, तो यहाँ पे कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखिएगा, पंखे में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। पंखा का कॉइल देखे हो कभी खुलते हुए, पंखा का अगर वो दोनों ढक्कन खोल जाता है तो उसमें कॉइल रहता है, हाँ वो कॉइल रहता है, उसको निकालोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ चेंज होता है। अगर हम स्विच को कम करें तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, कर बढ़ाएं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब इन दोनों बात में आपको देखने को मिल जा रहा है, कोई दिक्कत रहा, दिखाई तो दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत रहा, तो इसका यूज कहाँ होगा, फिक्स्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाकों में, और इसके लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक यूज कहाँ होगा, माइक स्पीकर, इसका एक यूज कहाँ होगा, पंखा फैन वगैरह। अच्छा स्क्रैप यार्ड या जंक यार्ड जानते हो, जहाँ पे से कचरा उठाया जाता है, अरे अपने छापरा में भी तो है, गुदरी में फेंका जाता है, मोए कचरा ले जाके सब फेंकता है लोग। अच्छा उधर नहीं जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, बस स्टैंड की तरफ पूरा कचरा फेंका हुआ, तो उसमें अगर कभी कोई मेटालिक वेस्ट चला गया तो वो तो पड़ा रह जाएगा, तो इसीलिए उसको रिसाइकल करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको बार बार बड़े वाले हल से जुतवा देते हैं, और जुतवाने के बाद ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को चालू करते हैं, उतनी दूर में अगर जितना भी लोहे का स्क्रैप रहेगा सब कहाँ चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले आके ट्रक के डाला पर ले आके उसका स्विच बंद कर देंगे, तो सब चीज़ कहाँ गिर जाएगा, डाला में गिर जाएगा। फिर ऐसे ही उसको बुन बुन कर पूरे स्क्रैप यार्ड से उसका उठा लेते हैं, लोहा उठा लेते हैं, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, उसको सोलेनोइड के तौर पर बनाया गया रहता है। हाँ देखो ये वाला, अच्छा वो ये भी एक एग्जाम्पल आ रहा है कि अगर आँख वगैरह में कभी कभार मेटल फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो कोई डस्ट वगैरह चला गया, या डस्ट नहीं, कौन सा मैग्नेटिक डस्ट चला गया, मैग्नेट के टुकड़े चले गए आँख वगैरह में चले गए, तो उनको निकालने के लिए किसका यूज होता है, इसका। अच्छा बॉम्ब का जो श्रैपनेल होता है, जैसे अगर ग्रेनेड फेंक दिए तो वो ग्रेनेड हमको कैसे नुकसान पहुँचाता है, वो फटता है, उसके छोटे छोटे छर्रे बन जाते हैं, लोहे के टुकड़े वो हमारे बॉडी में घुसते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक एग्जाम्पल देंगे आयरन मैन 1 मूवी का, टोनी स्टार्क के सामने मिसाइल फट जाती है, टोनी स्टार्क के ब्लड में छोटे छोटे मिसाइल के टुकड़े घुस जाते हैं, तो उसका एक डॉक्टर रहता है जो उनको बचाने के लिए उसके छाती पे क्या लगा देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है शुरुआत में, बाद में वो आर्क रिएक्टर बनाता है, शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के टुकड़े क्या कर रहे होते हैं, उसके ब्लड के अंदर जितने भी खून में क्या है, जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो उनको रोक के रखे होते हैं, उनको हार्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज ही है, सब भी है। हालांकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज सोल्जर लोगों में भी किया जा रहा है, जैसे कई सारे सोल्जर वगैरह जो होते हैं ना, जो अभी एग्जाम्पल दिए, अभी जो एग्जाम्पल दिए वही सोल्जर लोगों के ब्लड में कभी कभार कुछ कंपोनेंट ऑफ श्रैपनेल घुस जाते हैं, तो उनको होल्ड करने, विथहोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो कौन दिक्कत रहा दोनों में, अंतर समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई। सर हम बार मैग्नेट की शेप को क्या कर सकते हैं, फिक्स रहेगी, इसकी शेप फिक्स होती है, बट इसके शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, हम पोल्स को नज़दीक ला सकते हैं, पोल्स को दूर कर सकते हैं, बट इसका क्या है, एक बार शेप, अच्छा बार मैग्नेट बन गया तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन सोलेनॉइड का क्या है, सोलेनॉइड तो हम स्प्रिंग ऐसे भी रखे हैं, स्प्रिंग ऐसे भी घुमा देंगे, कोई दिक्कत रहा। अब सवाल ये आना चाहिए जो नहीं आ रहा है कि सर सिर्फ सोलेनॉइड से बार मैग्नेट, सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़े ना बनता है, उसके भीतर में तो सॉफ्ट आयरन कोर भी रहती है, तो सॉफ्ट आयरन कोर को कैसे चेंज करो, भाई नाम नहीं बता रहा है,
सॉफ्ट आयरन कोर, वो कोर जो होती है वो आयरन की होती है, बट आप उसे बड़े ही प्यार से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। स्पॉन्ज की तरह नहीं होती है कि रसगुल्ला की तरह दबा दिए टेढ़ा हो गया सोजा हो गया, ना ना देखे ना नहीं देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी तो आप ये देखो फिगर नंबर 18, ये है सोलेनॉइड और इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, बीच में सॉफ्ट आयरन का कोर घुसाया गया है। गाइस कोई दिक्कत रहा है इतने दूर में तो उतार लीजिए, टाप लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ हाँ एक और पॉइंट था अभी आगे का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है? अभी आपने पढ़ा कि जहाँ जहाँ करंट बहती है वहाँ वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, आप बताओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी पढ़ के आए हो, जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अभी पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, छोटा प्रोड्यूस करेगा, माइनर प्रोड्यूस करेगा, बट वो प्रोड्यूस, और इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, हमारी पूरी बॉडी मैग्नेटिक इफेक्ट का शिकार होती है, और इसका इसके डिफेक्ट को हम चेक कर सकते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वी कैन ऑब्जर्व अ स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी। इसका यूज करके डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले किसी आदमी का स्कैन हुआ मैग्नेटिक फील्ड, फिर और आदमी का स्कैन हुआ, सब आदमी का स्कैन हुआ, होते होते पता चला अच्छा ब्रेन का मैग्नेटिक फील्ड का इमेज ऐसा होता है, हार्ट का इमेज ऐसा होता है, लंग्स का इमेज ऐसा होता है, पेट का किडनी का ऐसा इमेज होता है, हो गया। अब उसी पर अगर हम गए और हमारे जो मैग्नेटिक इमेज बनाया गया उस इमेज में हमारे ब्रेन का इमेज वैसा नहीं आया जैसा यूजुअली सब लोग का आता है, तो क्या होगी, या तो मेरा ब्रेन खराब है या तो कंप्यूटर मशीन खराब है ना, तो उन लोग एक और बार चेक करते हैं, तो मशीन तो यूजुअली खराब नहीं रहती, क्या खराब रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसके थ्रू भी हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सीटी स्कैन का नाम सुना है ना, कैथोड ट्यूब से स्कैन करते हैं वो लोग, तो वैसे ही एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमआरआई। वो लोग सोनार का नाम सुने हो, अरे ये लोग नहीं जो गाने बनाते हैं, वाह एक्साइटेड ना, सोनार सोनार वो जो समुद्र में इस्तेमाल होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो लोग साउंड से रेजोनेट होने वाली चीजों को क्या करते थे, इमेज करते थे। तो ये भी क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि भाई आपके शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो रेजोनेट हो रहा है, कोई भी चीज़ वेव के फॉर्म में बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो चारों तरफ फैला रहता है, तो वो भी हमारे बॉडी में क्या होता है, रेजोनेट हो रहा है, उसकी इमेजिंग कर ली जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, MRI। उसी को क्या कहते हैं, MRI मोस्टली सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है, ब्रेन का। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड किसका बनेगा, क्योंकि हमेशा नर्वस इम्पल्स ले रहा है और जनरेट भी कर रहा है, कुछ नर्वस इम्पल्सेस बना भी रहा है, कुछ नर्वस इम्पल्सेस रिसीव भी कर रहा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इमेजिंग किसकी अच्छी तरीके से होगी, ब्रेन की, तो इसीलिए मैग्नेटिक इमेजिंग कहा जाता है। कोई दिक्कत रहा, MRI समझ में आया, MRI कभी आप लोग डॉक्टर से सुनते हो, कभी कभार कपार उपार फूट जाता है तो लोग कहते हैं चलो टाका लग गया ना, ठीक हो गया ना, तो अब एक बार MRI भी करवा लोगी, कहीं इंटरनल डैमेज तो नहीं है, समझ में आया ये पूरा का पूरा पॉइंट, किसी को दिक्कत है बोलिए, ठीक है। हाँ कई सारे बच्चों का नहीं है, वो लोग अपना MRI भी करवा लीजिए ब्रेन। चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ चला जाए, अब हमारा अगला वाला जो टॉपिक है, नाम इतना बड़ा है टॉपिक का कि बोर्ड भर जाएगा, फोर्स
ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक किसी भी व्यक्ति को अब एक टॉपिक पूछना है, बताइएगा ये दो अलग अलग मैग्नेट है, अज्यूम कर लीजिए इसके छह मैग्नेट नहीं है, ये दो अलग अलग मैग्नेट है, और अगर इन दो अलग अलग मैग्नेट को एक दूसरे के फील्ड में लाया जाए, इसका भी एक स्ट्रेंथ है, इसका भी एक स्ट्रेंथ है ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कराया जाए, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के आसपास ले जाते हो, तो दो चीज़ें होती है एक्सर्शन, मतलब या तो पास आने के लिए खींचेगा या तो दूर जाने के लिए ढकेलेगा, करेगा, तो यानी वो उस पर फोर्स एक्जर्ट कर रहा है। तो क्या मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स एक्जर्ट कर रहा है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का जो फील्ड है वो इस पर फोर्स एक्जर्ट कर रहा है। इसको कुछ आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, लेट्स सपोज करो ये एक मैग्नेट है और ये है इसका एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरा मैग्नेट है और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इतने दूर में क्रॉस हो रहे हैं तो यहां पर दो टाइप की फेनोमेना हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है, तो एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों पे एक दूसरे का फोर्स लगेगा, अगर खींचेंगे भी तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो एक वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर ढकेल भी रहे हैं तो ये उसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, सेम चीज अप्लाई होगी। तो क्या अगर दो परमानेंट मैग्नेट एक दूसरे को ढकेल सकते हैं, तो दो मतलब परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट एक दूसरे को ढकेल सकते हैं, तो क्या दो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक दूसरे को नहीं ढकेल सकते, या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दूसरे परमानेंट मैग्नेट से नहीं ढकेला जा सकता? क्योंकि दोनों का दोनों में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक। हमें और कुछ से मतलब है? हमें किससे मतलब है? हमें मैग्नेट से मतलब भी है, हमें किससे मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ वही बात है, देखो मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ है ना, तो हमें मैग्नेट से मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो रहा हो, चाहे परमानेंट मैग्नेट टू परमानेंट मैग्नेट पैदा हो रहा हो, चाहे परमानेंट मैग्नेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो रहा हो, कोई दिक्कत रहेगा? कोई दिक्कत रहेगा? अब हम इस चीज को, हाँ बोलो, ज्यादा भी हो सकता है, तो या तो खींचने की क्षमता ज्यादा होगी या तो ढकेलने की क्षमता ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा वाला मैग्नेट बड़े वाले मैग्नेट के पास लेते हो तो क्या बड़ा वाला छोटे वाले को खींच लेता है? वो तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि छोटा वाला बड़े वाले को अपनी तरफ नहीं खींचता है, खींचता है, उसकी फोर्स इतनी ज्यादा रहती है बड़े वाले की कि छोटा वाला उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत था? पहले बोलो, इतना दूर में कोई दिक्कत था? तो क्या हम इस चीज पे भी ये टॉपिक अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, इस चीज को विथ एग्जांपल समझते हैं। चलो देखो, अब सबसे आसान मैग्नेटिक फील्ड किन में देखने को मिलता है? बार मैग्नेट में, बताओ, बार मैग्नेट में, सिलिंड्रिकल में या हॉर्स शू में सबसे ज्यादा हम किसका यूज करने वाले हैं? याद रखिएगा, क्योंकि जिसके पोल सबसे करीब है मैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छा उन्हीं में देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम लोग बार बार किन दो मैग्नेट का इस्तेमाल करने वाले हैं? हॉर्स शूज का इस्तेमाल करने वाले हैं। सपोज करो ये हॉर्स शू का नॉर्थ पोल है, ये हॉर्स शू का साउथ पोल है, और इस नॉर्थ पोल साउथ पोल में अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये बना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर डालूं, ये एक वायर है, मतलब हम इसको ऐसे रखे हुए हैं और इसके बीच में एक वायर मैं ऐसे डाल रहा हूं। अब 2D स्पेस में हम कैसे दिखाएं, इसीलिए हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाला भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें भी क्या जा रही है, बिजली जा रही है, करंट जा रही है, तो पक्का अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कौन सा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो किस डायरेक्शन से बनता हुआ, मतलब किस डायरेक्शन में बनता हुआ आएगा, ऐसे करके बन रहा है ना, ऐसे, अरे हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सामने की तरफ, तो कितने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहे हैं?
दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे में से गुजरेंगे तो दो फेनोमेना होगी, या तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो भी कंडक्टर ऐसे गुजरेगा, या दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे तो कंडक्टर ऐसे मूव होगा। कंडक्टर का मूव होना दोनों ही तरीकों में देख फिक्स है। मान के चलो ये क्या है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, धड़ाधड़ इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम इसको इसमें डाल रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके चारों तरफ। जैसे ही दोनों का मैग्नेटिक फील्ड टच करेगा दो फेनोमेना होगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन, दो फेनोमेना होगी, या तो एक होगा अट्रैक्शन, ये कोई इतने तेजी से खींच ले तो अपने फील्ड में खींच रहा है तो वो होगा अट्रैक्शन, या अपने फील्ड से ढकेल रहा है तो होगा रिपल्सन। इसमें कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत रहा, ये टॉपिक समझ में है। इस चीज को समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा रहे, करंट का डायरेक्शन कौन सा रहे, तो मूवमेंट किधर होगा, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन होगा, क्या हम इसको थियोरेटिकली प्रूव कर पाएंगे। चलो मान के चलो हमें तो पता है कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो हाँ नॉर्थ वाला उसको खींच रहा है, ये हम मान लेंगे, बट ये तो हर बार चेंज होगा, हर बार हमें मैग्नेट का पोल थोड़ी ना पता होगा। इसीलिए इसको समझने के लिए एक रूल हमारे फिजिसिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, खोज करके बता दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें थंब वम नहीं लगता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत ईजी है, इसको समझना बहुत ईजी। ये वाला टॉपिक को समझ में आया, इस चीज को समझने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। फिर इमेज वा मिटा दिए, इमेज का फिर यूज करना है। अच्छा हाँ, अभी आप लोग इनका नाम पढ़ रहे हो ना, फ्लेमिंग भाई ये और माइकल फैराडे, माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए और फ्लेमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इतना थ्योरी दिए हैं, इतना थ्योरी दिए हैं कि हम एमएससी में पढ़ रहे हैं और तब वो मिल रहा है, पता नहीं कहे इतना थ्योरी दी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या होता है, ये बड़े प्यार से कहता है कि अपने हाथ की तीन उंगलियों को, अपने लेफ्ट हाथ की तीन उंगलियों को कुछ ऐसा फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए। पहला केस होना चाहिए तीनों उंगलियां एक दूसरे पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, यानी हमारे रूम का कोना, हम इसको रूम का कोना बोल सकते हैं, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ऊपर जा रहा है, तो वैसे ही हम अपने हाथ की तीनों उंगलियों को एक कुछ ऐसा फैलाएं कि जिसकी वजह से हम, ये वाला इस पे 90 डिग्री है, ये वाला इस पे 90 डिग्री है, ये वाला इस पे 90 डिग्री है, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री हो जाते हैं। तो अगर आप इनको कुछ ऐसा फैलाते हो तो ये तीनों चीजें बहुत ही मस्त मस्त चीजों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप अपने हाथ को फैलाते हो, चलो पहली बात तो इसको ड्रॉ करना है, अरे ऐसे मुड़ गया है गाइज, मुड़ेगा नहीं गाइज, चलो अगर अगर आप इस राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा ध्यान से, आस कौन कौन लड़ रहा है कैमरा के सामने, कैमरा के संगे फाइटिंग मत करिए, कैमरा नहीं है, हाँ। अगर आप इन हाथ को उंगलियों को ऐसा फैलाओगे तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए तो तीनों एक एक चीज को दिखाती हैं। पहला वाली उंगली दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, जिस उंगली से हम इंडिकेट करते हैं, ये वाली किसके डायरेक्शन को दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये वाली उंगली जो होती है वो करंट के डायरेक्शन को दिखाती है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है सामने के डायरेक्शन में तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर, मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, ये 3D स्पेस का है तो ये हो जाएगा हमारा मोशन, मोशन ये हो जाएगा फील्ड, ये हो जाएगा
कोई दिक्कत रहा? कोई दिक्कत रहा? अब मोशन फील्ड और करंट, अब इस चीज को आसानी भाषा में समझे, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट इस डायरेक्शन में बह रही है तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड। इसका एग्जांपल देखो बड़े प्यार से। लेट सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। फटाक से बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अभी हम इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आप खुद देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, धर इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड पूरा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अरे ये कैसा भी पोल है उससे मतलब नहीं, हमने बस मैग्नेट रख दिए हैं दो अलग अलग, ये साउथ पोल है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो सकता है, दो मैग्नेट है तो दोनों मैग्नेट का भी अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्रॉइंग अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अब इसमें एक चीज देखो। अब इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन, हम इसमें इसके बीच में एक वायर ला रहे हैं, इसमें करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, जैसे ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ये नॉर्थ टू साउथ करंट मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इसके बीच में मैं वायर ला रहा हूँ, वायर में करंट का डायरेक्शन ये है, वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है ये सामने की तरफ, तो अपनी दो हाथ की उंगलियों को फैलाओ, पहला हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, दूसरा हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया, तो ये वायर नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? तो मोशन वाले रूल के हिसाब से किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत रहा है इसमें? कोई दिक्कत रहा है इसमें? इसी चीज को कहते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हेड जो है ये याद रखिएगा, हेड किसका डायरेक्शन है? करंट। हम इस ब्लू मार्कर को के हेड को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तौर पर बोल रहे हैं। हाँ, इस ब्लू मार्कर को हम कैसे बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तौर पर। और तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोशन। अब चलो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया, हम वायर रख रहे हैं बट इस बार करंट किस डायरेक्शन में जा रही है? इनवर्ड। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपने हाथ को फैलाओ, हमें फील्ड पता चल गया, हमें करंट पता चल गई, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे फील्ड ये है और करंट इस डायरेक्शन में आ रही है तब तार ऊपर की तरफ फेंकाएगा, पता है? अगर अगर फील्ड ये है और करंट इस डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ जा रही है, करंट हम वायर ला रहे हैं लेकिन पहले करंट की डायरेक्शन में आ रही थी ऐसे, अब करंट की डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? अपने रूल के हिसाब से हमें किस डायरेक्शन देखने को मिल रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में अंदर, फील्ड अभी भी, तो मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा नीचे। इसी चीज को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। ये इलैबोरेट करने के लिए आता है। इसमें लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसा फैलाओ कि पहला वाला क्या दिखाया? मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट। मैंने फाड़ा चिकन, याद करो तुम मदर फादर चाइल्ड। हम तो इसके पहले वाले बैच को कुछ और ही पढ़ाए थे, नहीं पढ़ा बता सकते। चलो आप अगले वाले पॉइंट की तरफ चलें, यहाँ तो भर के पी लीजिएगा, अभी रुक जाइए, चल रहा है क्लास, दो मिनट। हम अंकल जी हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, दो मिनट चल रहा है, लीजिए कुछ बोलिएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है तुम्हारा? हाँ चलो, यहाँ पे देखो, इसमें बोल रहा है कि ये स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट। ये होता, अब एक पेज पे हम इसको बताएंगे, ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं?
करंट का डायरेक्शन मिल गया, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन मिल गया, यानी हमारे लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली डिसाइड हो गई, ये तो डिसाइड हो गई, ये किस डायरेक्शन में, ये अरे हमारे लेफ्ट हैंड की उंगली, सॉरी गाइस गलत उंगली दिखा रहे हैं, क्योंकि है तो दिखाना पड़ेगा, तो इन तीनों उंगलियों में करंट का डायरेक्शन इसी से डिसाइड होता है, तो ये वाली उंगली तो फिक्स हो गई अपनी, करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, अब मूवमेंट करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके बीच में कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में नहीं बताया, बट वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन की तरफ इसको मोड़ दे रहा है, तो करंट अभी अपनी फिक्स है और उसके बावजूद हमें मूवमेंट मिल गया, तो करंट फिक्स है और मूवमेंट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड नहीं हो जाएगा, क्या अच्छा करंट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड, मूवमेंट डिसाइड हो गया, नॉर्थ की तरफ ईस्ट जा रहे पार्टिकल को नॉर्थ की तरफ मुड़ा दिया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट वेस्ट है, भाई देख लो एक और बार बताते हैं, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये है हमारा मूवमेंट, तो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन 2D प्लेन में नहीं होगा, फील्ड इसका कौन सा डायरेक्शन में है, अपवर्ड, फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड, यानी अगर एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, दो ऐसे मैग्नेट रखे हुए हैं, कैसे मैग्नेट है, दो ऐसे मैग्नेट रखे हैं, यहाँ है साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट के डायरेक्शन में, तो मूवमेंट क्या कर दे रहा है, अप कर दे रहा है, मूवमेंट क्या कर दे रहा है, अप, तो ये डायरेक्शन समझ में आया, राइट हैंड थंब रूल से हम समझ में आए, कोई दिक्कत, लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, अब 2D प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाएं, तो 3D में किस डायरेक्शन में आ रहा है, अप के तरफ, तो अपवर्ड हो गया, तो बस इसको इतना ही रहने देंगे।